जी कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, जय महाकाल, जय राधे कृष्णा, जय सीताराम, सत श्री अकाल जी। और सब आप बताओ कैसे हो? और आज आपने क्या किया? आज मैंने जो किया मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप बताना आपको कैसा लगा। अब देखो आगे हम क्या करते हैं। वेलकम टू अवर हैप्पी क्रेजी फन लविंग होम। मेरे कपड़े प्रेस अभी अभी धोबी दे दिया है, कपड़े प्रेस हो गए हैं। अभी मैं इनको अलमारियों में रखूंगी। अभी बन रहे हैं आलू वाले परांठे, अभी मैंने बना के रख लिए हैं पेड़े भर के, आलू भर के ना इसमें फिल करके रख लिए हैं। अभी बाल बांध लिए हैं, अभी बनाती हूँ परांठा। तवा बहुत गर्म हो गया, लगे उधर बाल बांधने। किस किस को आलू के परांठे पसंद है ये बताना। सबको पसंद है, गोभी वाले, आलू वाले, मूली वाले, सबको ही पसंद है। ये बन गया आलू वाला परांठा, डाल देते हैं तवे पर। अभी बना लेते हैं दूसरा परांठा। आज मेरा हो गया लेट, रात को मुझे नहीं आई नींद। नींद ना आने की वजह से ना सुबह जा कर के 5 बजे थोड़ी सी आंख लगी और मैंने फिर उठी लेट और काम वाली को भी फोन कर दिया कि थोड़ा सा आज जल्दी आके कर जाना, बाद में ही नहाना भाना होगा। तो वो आई, पहले साफ सफाई करके गई, उसके बाद मैंने नहाया, बीच में धोबी आ गया। बस यही सब करते कराते आज हो गया लेट और अब तो 12 बजने लगे हैं। 12 बज गए, 12 बजे हो रहा मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या, ब्रंच हो रहा है, एक ही बार खा ले मैं। देखो ये आ गए हैं खरबूजे, अभी गर्मियों की सौगात, ये गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आएंगे आम, अगले महीने आम भी आ जाएंगे, लेकिन ये तो आ गए हैं। आज मैंने लिए, दो लिए हैं, एक पहले तो मैं मंदिर में चढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर घर में खाऊंगी। मैं कोई भी नया फल आता है तो पहले मैं मंदिर में चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं घर में खुद खाते हैं। और ये हमारे शुरू से, हमारी मम्मी भी ऐसे करती थी, हमारे यहाँ सब फैमिली मेंबर ऐसे करते हैं। जो नया फ्रूट आता है पहले उसको भगवान को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, उसके बाद हम खाते हैं। ऐसे नहीं कि ले लिए और खाना शुरू कर दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी फ्रूट है पहले आप भगवान को अर्पण करो, अर्पित करो, और उसके बाद खुद खाओ। ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है और उन्होंने कहा कि जो घर का बड़ा बेटा है, घर का जो जेठा लड़का है, बच्चा है, कोई भी है, लड़का लड़की कुछ भी है, पहले उसको नया फ्रूट खिलाओ, सबसे बड़े वाले को, और खुद बाद में खाओ। तो ये सब चीजें बड़े बुजुर्गों की माननी चाहिए, मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी तो मेरे यहाँ बड़ा बेटा बाहर है, सो मंदिर में चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ा दिया, सर्प को हो गया, ये है, मंदिर में चढ़ा दो, बस यही। मेरे ना हवा चल रही बाहर, बहुत होंठ फट गए हैं, उसकी वजह से बहुत ड्राई ड्राई से हो गए हैं। अभी तो मैंने नहाया हुआ है, बाल भी वैसे ही हैं, देखो बाल भी नहीं अच्छे से, कंघी भी नहीं करी। लेट होने की वजह से ना लगा कि जल्दी से पहले खा लूं, उसके बाद बाकी काम करते हैं। पहले भूख लगी है भाई, भूख लगी, पहले खाना खा लो, खुद बनाना है और खुद खाना है, इसलिए भाई खुद बनाओ खुद खाओ। लेट हो जाता है ना अगर उठने में तो सारा दिन खराब हो जाता है, मेरा तो ऐसे ही होता है। आप लोग बताना आपके साथ भी ऐसा होता है, लेट होने की वजह से सारा रूटीन खराब हो जाता। पहले तो पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता है, कोई पूजा पाठ करो, कुछ पढ़ना है, रामायण पढ़नी, कथा पढ़नी है, कोई जल्दी 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 करो, वो मजा नहीं आता। मैं इसलिए ही ना सुबह उठना पसंद करती हूँ।
अब क्या करें, नींद ना आए सारी रात, तो क्या कर सकते हैं, यही है। अब कर लेंगे नाश्ता, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैं लगाई हूँ अपने फेस पे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऐसे ही नहीं, मतलब कि डायरेक्ट लगा लेना है इसको, ठंड में के लिए तो बहुत अच्छा है ये। ये मैंने बना के रखा हुआ है डिब्बे में, अब मेरा ख़त्म होने वाला है। और इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, इसको बनाना है पहले, इसको कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ले लो या ज़्यादा ले लो, उसमें जो केसर होता है, केसर की 3-4 पत्तियाँ, और उसको डायरेक्ट नहीं तवे पे डालना, उसको एक नैपकिन ले लो, नैपकिन की तह लगाओ, और नैपकिन की तह में वो केसर डाल के तवे पे थोड़ा सा उसको मतलब हीट कर लो, गरम करो अल्ट पल्ट करके, लेकिन केसर डायरेक्ट तवे पर नहीं, नैपकिन में। और वो फिर नारियल तेल में डालो, नारियल तेल में डालने के बाद उसमें थोड़ी सी डालो ग्लैसरीन। और वैसे तो ग्लैसरीन तो ठीक है, मतलब को गुलाब जल भी डालते हैं, लेकिन गुलाब जल डालने से क्या हुआ था ना, मेरा वो ख़राब हो गया था, फंगस से आ गए थे, वो पानी तो होता है, तो उसके बाद फिर मैंने गुलाब जल डालना बंद कर दिया। अब सिर्फ कोकोनट ऑयल और केसर और ग्लिसरीन, ये मैं तीनों मिला के रख लेती हूँ, यही मैं फेस पे लगाती हूँ। अभी मेरा फिनिश होने वाला है, देखो फिनिश होने वाला है, और देखो ये येलो येलो हो जाता है। और फिर फेस पे लगाओ, केसर तो वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यही है मेरा। थोड़ा सा ऐसे नेक पर भी लगा लेते हैं, ये है। मैं ऐसे, मैं क्रीम नहीं, क्रीम कम यूज़ करती हूँ, क्रीम बस हो गया, कहीं शादी ब्याह में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है तो लगा लो, नहीं तो घर में रहना है तो यही लगाओ। क्योंकि बाहर हम ऑयल लगा के जाएंगे ना फेस पर, तो क्या होता है कि वो डस्ट उड़ती है फेस पे, डस्ट पड़ती है तो जम जाती है, फिर उस खराब होती है। जहाँ तो रात को लगाओ, जहाँ घर में रहना है तो लगाओ। मैं तो अब दिन भर घर में रहूँगी, जाऊँगी तो शाम को जाऊँगी, तब तक एक बार फेस वॉश कर लूँगी। तो ये है, मेरा तो यही फंडा है, मैं तो यही लगाती हूँ, आप भी ट्राई करके देखना। अब खोल लेती हूँ बाल, बाल भी सूख जाएं, बाल भी सुखाने बहुत ज़रूरी हैं। और अब खा लूँ पराठा, पराठा पराठा। आप खाओगे? लो जी, आप भी खा लो। सॉरी, बाहर अभी अच्छा मौसम है, इसलिए मैंने ये आज वेलवेट का सूप पहना। ये ना ऐसे पहनो ठीक है, इसके ऊपर पहन लो स्वेटर कोटियाँ, तो ये ऊपर को ही चढ़ते रहते हैं, इसको कम ठंड में पहनो को ठीक है, इसलिए मैंने अब पहना। ठंड हो गई कम, सुबह शाम की ठंड है, दोपहर में नहीं है इतनी ठंड, यही है। अब धीरे 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 कम होते जाएगी, पता नहीं क्यों नींद की क्या प्रॉब्लम, किस किस को नींद की प्रॉब्लम है आप बताओ, ये बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। मैं तो सारी रात जब नींद नहीं ना आती है, बड़ा मन खराब होता है, कभी मोबाइल, कभी यूट्यूब खोलो उसमें कुछ सुनो, कभी फेसबुक खोल लेते हैं उसमें कुछ देखने लगते हैं। अब सब बोलते हैं ना कि मोबाइल मत देखा करो, जब पहले तो मोबाइल नहीं देखते, जब नींद नहीं आती तभी ना मोबाइल देखते हैं, तब देखना शुरू करते हैं मोबाइल। अब मोबाइल देखते दिमाग थोड़ा दूसरी साइड हो जाता, नहीं तो क्या कौन कौन सी बातें दिमाग में आती रहती हैं, इसलिए मोबाइल पकड़ लेते हैं हाथ में। चलो ऐसे ही है, ऐसे ही लाइफ कट जाएगी। अब खा लें हम नाश्ता। अब कर ली है कंघी, बाल भी बना लिए हैं, अब थोड़ी देर धूप में बैठ के सुखाती हूँ, क्योंकि बाल अभी गीले ही हैं, रोज रोज ड्रायर यूज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाल डैमेज हो जाते हैं। तो सो अब करूँगी थोड़ी सी
धूप में बैठ के बालों की सिकाई। और देखो धूप हल्की हल्की धूप हो गई अब। चलो अब यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर धूप में। अब इसके साथ ही करते हैं ब्लॉग का एंड।